మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग. आज के वीडियो बहुत ही समझ लीजिए खास होने वाला है. आज के वीडियो में टोटल हम रेसिस्टेंस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे. आज के वीडियो में रेसिस्टेंस से नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व होंगे. अगले वीडियो में मैं स्टार डेल्टा से संबंधित रेसिस्टेंस के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊँगा. इसलिए मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा. अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है. तो आगे अब हम देखते हैं रेसिस्टेंस से संबंधित सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का काम करना है. अब हम जा रहे हैं. कल मैं आपको बताया था कि सीरीज में और पैरेलल में रेसिस्टेंस को जब ऐड करते हैं तो क्या फार्मूला बन के आता है. देखिए, जब फार्मूले को हम सीरीज में ऐड करते हैं, हम दोनों का कम्बिनेशन आपको बताते हैं. देखिए, सिंपल सा मैटर है. यहाँ बहुत ही सिंपल सा एक प्रॉब्लम देते हैं आपको कि यहाँ 8 ओम और यहाँ पे 8 ओम. मान लीजिए दो जो है रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं. यहाँ ए है और यहाँ बी है. तो इनकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का हमें मान निकालना है. तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान निकालना, तो पहले तो आप ये समझिए कि उस इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, उस इक्विवेलेंट का क्या सेंस है. जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, उसमें दो रेसिस्टेंस को इस प्रकार से जोड़कर लगाया गया है. तो हमको अब ऐसा रेसिस्टेंस निकालना है जो अब हम इन दोनों की जगह पे एक सिंगल रेसिस्टेंस ही रखना पड़े, ताकि सर्किट पर कोई इफेक्ट ना पड़े. एक सिंगल रेसिस्टेंस हम इन दोनों की जगह पे क्या कर दें, पुट कर दें. तो हमने आपको बताया था सिंपल सा फार्मूला, 1/RT इज इक्वल टू R1 + 1/R2. तो 1/RT बराबर 1/8 प्लस 1/8. ये दोनों सेम है, ऊपर ऐड कर लेंगे. यहाँ 1/4, तो 1/RT इक्वल टू 1/4. तो यहाँ से RT निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा. तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो दो रेसिस्टेंस रखे गए हैं, इन दोनों के जगह पे हम सिंपल केवल एक रेसिस्टेंस रख देते हैं और कितना रखेंगे, 4 ओम का. तो ये है पैरेलल कनेक्शन और ये है पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट. इसी को हम क्या कह सकते हैं, RAB कहते हैं. तो यहाँ से एक सेंस और सामने आता है हमारे. क्या आता है हमारे सामने कि अगर इक्वल रेसिस्टेंस हैं और आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं. पैरेलल कनेक्टेड कब मानेंगे, जब एक का पहला सिरा दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे पहले का दूसरा सिरा दूसरे के दूसरे सिरे से, इस प्रकार आपस में एक क्रॉस कनेक्टेड हों, तो इस कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं. और इस कनेक्शन में आप देखिएगा कि क्या होगा, कि वोल्टेज क्या होगा, इस कनेक्शन में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा. तभी आप मानेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है यह एक पैरेलल कनेक्शन है. ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा. सॉरी, हम कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को. तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं. सीरीज का तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. सीरीज को आप समझते ही होंगे कि दो रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हों तो उनका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं. यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो रेसिस्टेंस आपस में क्या हो, सीरीज में कनेक्ट हैं. ये R1 है, ये R2 है. मान लीजिए यहाँ पे 4 ओम का एक रेसिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ पे 8 ओम का एक रेसिस्टेंस कनेक्ट है. तो इक्विवेलेंट हमें टोटल रेसिस्टेंस बताना है कितना होगा. मान लीजिए ये है और ये भी है. तो सीरीज का खासियत क्या है कि इसका लास्ट वाला टर्मिनल अगले के पहले टर्मिनल से क्या होता है, कनेक्ट होता है. अब हम कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो पैरेलल और सीरीज में आपस में क्या हैं, कनेक्ट हैं. अभी तक तो हम बहुत इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो देखिए, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा इन दोनों का, RAB का, सीधे 4 + 8 कितना होगा, 12 ओम. इस प्रकार से ये है क्या है, सीरीज कनेक्शन है. तो अब हम जो है इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम को हम देखने जा रहे हैं. देखिए,
मान लीजिए आपके सामने इस तरह का एक क्वेश्चन रखा गया हो, यहाँ पे मान लीजिए आपका चार है, यहाँ मान लीजिए आपका 6 है, यहाँ मान लीजिए 14 है, यहाँ मान लीजिए आपका 8 है। बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपका टोटल इक्विवेलेंट आरएबी पूछा जा रहा है तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं विदाउट सॉल्विंग, बिना आप सॉल्व किए भी लगा सकते हैं। देखिए ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं, इसको जानना है तो आप थोड़े समय के लिए इसमें करंट को फ्लो करा दीजिए। एज्यूम करिए करंट फ्लो हो रहा है, तो आप देखेंगे जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें। इस प्रकार तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो तीनों सीरीज में हो गए, तीन का 4, 4, 8, 6, 8, 6, 14। तो इनके इक्विवेलेंट में कितना आया, चौदह आया। अब ये 14 और 14 आपस में क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तीन का इक्विवेलेंट में कितना आया, 7 आया। अब यहाँ पे जब 7 रखेंगे तो ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, 8 और 7 क्या हो जाएगा, 15। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 15 ओम। इस प्रकार से मैंने तो शॉर्ट में बहुत ही सॉल्व कर दिया। अगले प्रॉब्लम को हम देखते हैं जो थोड़ा कठिन होगा। देखिए इसको थोड़ा विस्तृत में अगर लगाना चाहें तो हम कैसे लगाएंगे, इसको थोड़ा हम बता देते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नहीं समझ पाए होंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर कितना था, 6 था, तो यहाँ पे कितना था, 4 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे क्या था, 14 था। तो अगर इसको थोड़ा सा हमें और कठिन तरीके से मतलब पूरा विस्तृत लगाना हो तो हम इन तीनों को क्या ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे कि ये तीनों जो है किसमें होंगे सीरीज में। जब ये सीरीज में होंगे तो इनका मान लीजिए R1 निकल रहा है, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 4 + 6 तो कितना होगा, 6, 4, 4, 8, 8, 14। तो इन तीनों के जगह पे हम ऐसे है ये ऐसे ही ना। अब इन तीनों के जगह पे हम एक रेसिस्टेंस रख देते हैं, कितना, 14, और यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कितना है, 8 है। तो ये देख रहे हैं दोनों पैरेलल में हैं, तो मान लीजिए ये आपका R2 निकल रहा है, तो इनका पैरेलल में निकालने का सीधा शॉर्ट मेथड यही होता है। तो कितना हो जाएगा ये, 14 × 14 करिए, और ये 14 × 14 कितना हो जाएगा, 28, 14 × 28 = 14 कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 7 रख दिया। यहाँ ए और बी है, ये है, अब देख रहे हैं दोनों सीरीज में हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 7 = कितना हो गया, 15 ओम हो गया। इस प्रकार आपने थोड़ा सा इसको हम बड़े तरीके से करके आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी उतना ही वैल्यू आएगा, और हम शॉर्ट मेथड से भी लगा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो टाइम को सेव करने के लिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करते हैं, जल्दी में सॉल्व करते हैं। तो अब हम इससे थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम व्हिच इज रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। यहां पे देखिए इस तरह का अगर आपके पास सर्किट दिया हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ मान लीजिए 10 है, यहाँ मान लीजिए 10 है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए वैल्यू ऐसा ही कंपटीशन एग्जाम में देता है, बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता है कि जिसको आप सॉल्व करते ही रह जाएं। तो इस तरह से सवाल नहीं देता है, बहुत इस प्रकार से ही देता है जिसको आप इजीली निकाल सकें, सॉल्व कर सकें। तो ठीक है, हमें आरएबी टोटल निकालना है, तो हम डायरेक्ट निकालने की थोड़े से कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम निकालेंगे तो आप देखेंगे क्या ये दोनों किस क्रम में होंगे, सीरीज में होंगे। अगर यहाँ करेंट फ्लो कराएं, दोनों से भी करेंट फ्लो होगी ना, तो 5 और 5 क्या होंगे, सीरीज में हो गए। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे हम एक ही जगह नहीं लिखेंगे, ये जो है
मान लीजिए यहाँ लिखें चाहे कहीं लिखें, तो हम ये तार है, हम मान लीजिए यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ 5 और 5 10, तो देखिए कि ये दोनों को हमने जोड़ करके एक जगह पर लिख दिया। ये तो तार ही तो है, हम जैसे जैसे चाहें वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल में ही कनेक्ट है, इसका पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। इस प्रकार आप देखेंगे जब इनको आप जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 और 10 क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। और पैरेलल के निकालने का मैं डायरेक्ट तरीका क्या बताया था, दोनों 10 हैं तो उनका इक्विवेलेंट आधा आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ 5 पुट कर देंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये 5 और ये 5 सीरीज में कनेक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें करंट भी क्या होगा, सेम फ्लो होगा। तो 5 और 5 10 हो गया, तो ये 10, अब ये जो 10 आएगा, ये 10 आएगा, ये दोनों जो है पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट 5 आ गया। अब टोटल 10 और 5 कितना आ गया, 15। टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया, 15 ओम आ गया। डायरेक्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा। इसी को आप थोड़ा सा, अब देखिए इनडायरेक्ट वे में इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इनडायरेक्ट वे में देखिए ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए 5 और 5। तो यहाँ आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 में आर1 मान लीजिए कितना हो जाएगा, 10। तो 5 5 10 इसके पैरेलल में होंगे ना। तो अगर आप सर्किट बनाएंगे तो आपका सर्किट ऐसा कुछ बनेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे हो करके, ऐसे हो करके यहाँ पे 5 रहेगा, और इन दोनों के जहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ सीधे कितना दिया है, वो 10 दिया हुआ है। तो ये आपका 5 दिया है, 10 दिया है, ये आपका ये है, ये आपका क्या है, बी है। तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के क्रॉस कनेक्ट है, यानी कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो अगर यहाँ से आप R2 निकालें तो R2 बराबर क्या होगा, 10 × 10 और फिर 10 प्लस 10। देखिए इक्विवेलेंट निकालने का सीधे फार्मूला होता है R1 × R2 / R1 + R2, ठीक है। अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, डायरेक्ट निकालने का फार्मूला होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये कटेगा, यहाँ 5 होगा, तो यहाँ R2 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ आप देखिए कि अब ये 5 जो है इन दोनों के जगह पे पुट होगा। तो यहाँ आप देखेंगे तीसरा, अगर देखिए तीसरा स्टेप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 10 हो गया, यहाँ पे भी आपका 10 हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे भी 10 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 हो गया। और इन दोनों के जगह पे हम एक ही रेसिस्टेंस रखेंगे, कितना रखेंगे, कितना आया था इनका, इन दोनों की जगह पे एक ही रेसिस्टेंस रखेंगे। तो यहाँ हम कितना रख दिए, 5 रख दिए, कितना रख दिए हम, 5 रख दिए, ए और बी हो गया, ठीक है ना। तो अब आप देखिए सिंपल सा है, अब यहाँ देखिए 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये 10 पैरेलल में हो जाएंगे तो 5 हो जाएगा इक्विवेलेंट। अब 5 और 10 जब ऐड करेंगे तो टोटल आरटी कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्त, अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने दे दिया जाए, ये है और बी है, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए आपका 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 18 है, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे 18 है। तो आर ए बी पूछ रहा है आर ए बी क्या होगा, इसको आप डायरेक्ट लगाइए तो होगा क्या, ये 7 और ये 7 आपस में क्या हो गए, सीरीज हो गए। तो सीरीज होने का मतलब इनके जगह पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
तो हम अब इसके जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे इसके जगह पे क्या रख देंगे, 14 रख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये और दोनों पैरेलल में होंगे कि नहीं होंगे, जब ये दोनों पैरेलल में होंगे तो हम इन दोनों जगह पे 7 रख देंगे, इन दोनों जगह पे क्या रख देंगे, हम 7 रख देंगे, ठीक है। वो वायर ही है, वायर को ही हमने क्या कर दिया, हटा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। तो यहाँ ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 11 और 7 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तब से इन दोनों जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, अब 18 पुट कर देंगे यहाँ पे, और 18 हो गया। अब 18 और 18 देखिए किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 18 और 18 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 और 9 सीरीज में हो गए, तो 18 और 18 18 पैरेलल में हो गए, तो टोटल आपका RAB कितना आया, 9 ओम आया। इस प्रकार से आपने देखा कि सर्किट तो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इसका सॉल्यूशन मात्र और मात्र कितने मिनट में, 1 मिनट में जो है फाइंड आउट हो गया। तो इस प्रकार से अब हम इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चलते हैं। हम इस पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका आंसर हमें बताइएगा। ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देखिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, ठीक है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो RAB क्या होगा निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। आइए एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं इसी से रिलेटेड। इस तरह का हम क्वेश्चन दे देते हैं। इसमें भी RAB का मान निकालना है और इसमें भी RAB का मान निकालना है, दोनों का आप सॉल्व करिएगा। और जो भी आंसर होगा इस आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों प्रॉब्लम्स का, और भी टाइप पर हम चलते हैं, अभी इतना ही नहीं है, ठीक है, हो गया, ओके। अब देखिए कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, इस तरह का क्वेश्चन दे देता है कभी कभी। ए और बी दे दिया, कहा बताइए RAB क्या होगा। बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, हमेशा लास्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या देख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में, क्यों सीरीज में है, इसका लास्ट इसके पहले से करंट है, ऐसे भी कह सकते हैं। या अगर इसमें आप करंट फ्लो कराएं, जो करंट इसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा, दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में हो गए। दोनों सीरीज में हो गए तो 9 और 9 क्या हो गया, 18 हो गया। ये सब तार ही है, ये ऐसे था, अब हम इनके जगह पे मान लीजिए ऐसे तो जोड़ दिए, तो 9 18 है, यहाँ भी 18 था, ठीक है। तो अगर हम ए और बी निकालना चाहें तो RAB क्या हो जाएगा, 18 इसका आधा क्या हो जाएगा, 9 ओम। इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा, चाहे कितना हो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। एक बार सवाल इस तरह का पूछा हुआ था एग्जाम में आपके, ए और बी, यहां जो है ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट रेसिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मान लीजिए यहाँ पे आपका कितना है, 50 ओम, यहाँ पे आपका कितना है, 50 ओम, यहाँ पे आपको दे दिया है 25, ठीक है, और यहाँ आपको दे दिया है 50। तो अब आपको बताना है कि
कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ 50 न लेकर के 50 ही ले लीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ सब ये सब कितने हैं, ओम में है। किस में है, ये सब आपके ओम में है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच टोटल रेसिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं दोनों किस में है, पैरेलल में है। इनके आपस में कैसे हैं, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो इनका इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो आरटी कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 25 और ये 25, ये 25, 50 हो गया। तो दोनों ये 50 ओम सीरीज में हो, इधर सीरीज में कनेक्ट हुआ और ये 50 ओम, ये 50 ओम पैरेलल में हो गया। तो टोटल आरटी कितना आया, 25 ओम आ गया, ठीक है ना। देखिए कैसे इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 इसके सीरीज में कनेक्ट ही है तो 25 हो गया। इन दोनों के सीरीज में कितना कनेक्ट है, 50 कनेक्ट है, ए और बी। तो देखिए 25 25, 50 और 50 और 50 पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो टोटल आरटी कितना आएगा, 25 ओम आएगा। इस प्रकार से आप जो है टोटल रेसिस्टेंस का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको मालूम रहना चाहिए कि सीरीज में है कि किस में है, पैरेलल में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, आपने रेसिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को आपने देखा। अब जो है हम किसी दूसरे टाइप पे जैसे मान लीजिए कि अगर साइड से मतलब भुजाएं अगर आनुपातिक हों, मतलब हीट स्ट्रेंथ ब्रिज को फॉलो कर रहे हों, तब हम रेसिस्टेंस को कैसे फॉलो करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा उम्मीद हो गया होगा। एक सवाल हम आपको और देते हैं, उसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा हमें। एक क्वेश्चन और है, देखिए ऐसे है, ये मान लीजिए ये है, ये आपका बी है, ये 9 9 18, 9 और 9, तो आर ए बी बताना है कितना होगा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए 9 9 18 18 18 पैरेलल 9, ये तीनों सीरीज में ऐड कर लेंगे, हो गया आपको, ठीक है ना। कितना हो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आप बहुत ईजी वे में इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम आगे चलते हैं एक कंडीशन के पास। मान लीजिए इस तरह का सवाल आपको दे दिया जाए, और कहा जाए ए और बी के बीच जो है आप रेसिस्टेंस निकालिए, क्या कहा जाए, ए और बी के बीच रेसिस्टेंस निकालिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे तो इन दोनों पर एक सेम पोटेंशियल जनरेट होगा दोनों पॉइंट पे। जब ये पोटेंशियल यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो जाएगा तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है, करंट फ्लो होगी ही नहीं, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए तो हम बैटरी में प्लस और माइनस लेते हैं और यहाँ फेज और न्यूट्रल लेते हैं, क्योंकि अगर पोटेंशियल में हम डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो एक कंडीशन जब ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो इन दोनों का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और सेम होने से इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, जैसे आप पुल पे खड़े हो, पानी नीचे से फ्लो हो रही है, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सेम वही कंडीशन है। इसीलिए इसी को ब्रिज कहते हैं, ब्रिज सर्किट बोलते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो करंट यहाँ फ्लो होगी वही करंट इसमें फ्लो हो जाएगी, जब इसमें नहीं है तो इसमें और इसमें सेम करंट फ्लो होगी। तो यानी कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, किसमें हो जाएंगे, 10 और 20, ये दोनों सीरीज में हो गए। अब वही बात यहाँ भी हो गई कि जो करंट इसमें वही करंट इसमें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये भी दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए 20 और 40। तब आप आसानी से इनके बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। अरे 20 10 30 और 40 20 60, 30 और 60 पैरेलल में हो गए, तो आरटी आप निकाल सकते हैं, 30 × 60 या 60 30, 90, 30 90, 3 दूना 6 कितना आया, 20। इस प्रकार से अगर रेशियो
अगर साइड्स का रेशियो अगर सेम हो तो इस प्रकार बीच वाला जो ब्रांच होता है रिडक्टेंट मान लेते हैं उसको, और उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब एक और प्रॉब्लम है जो इससे रिलेटेड है, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर हम वीडियो को क्लोज करेंगे। देखिए ये भी इस तरह का सवाल पूछा गया है कई बार। मान लीजिए ये कह दे कि ए और बी के बीच टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। अब देखिए दोनों रेशियो सेम है कि नहीं है, सेम है दोनों रेशियो, तो दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे, तो ये 40 हो गया, ठीक है। ये दोनों सीरीज में ये है तो ये 40 हो गया, यानी कि ये 40 फिर ये 40, अब फिर आपका ये आपका कितना है 30 है, ये है। तो आप बताइए और बी का बीच निकलने जाएगा इजीली, हैं। देखिए 20 20 40 इससे कोई मतलब नहीं, ख़त्म कर दीजिए। तो तीनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, तो यहाँ पे ये इनका इनका दोनों का क्या हो गया, 20 हो गया डायरेक्ट, और यहाँ पे कितना आया 30 है। तो ए और बी अगर हम निकालना चाहेंगे तो आर ए बी कितना हो जाएगा, 20 × 30 30 20 50। हम इसको अब क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो कट गया, आपका कितना आया 5 × 4 20 4 3 12 ओम। इस प्रकार से इस तरह का प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब हम अपनी वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। हमारे चैनल का अगर अच्छा लगा हो, अगर आप मेरे पसीने को देख रहे हो, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।